Hello and welcome to Educans Classroom. This is Prakriti and in today's class we'll be studying about verb. Verb yani kriya. Kriya kise kehte hai? Koi bhi action ya karm agar jo subject hai usne kiya hua hai to usko kehte hai kriya. Any action or work that has been done by the subject. Yahan pe subject kaun hai jo kaam kar raha hai. So verb is basically divided into 6 types. And we'll be learning about the first 2 types. That is एक्शन वर्ब जो मेन वर्ब है एंड ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज द हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द एक्शन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब. लेट्स सपोज आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल दैट राम इज सिंगिंग. तो राम इज सिंगिंग में राम जो है वो सब्जेक्ट है, जो सिंगिंग है वो है मेन वर्ब. सिंगिंग इज द मेन वर्ब एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन वर्ब. यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पे हेल्प कर रहा है जो एकम्पनी कर रहा है सिंगिंग को, वो है इज. And ease is called as auxiliary or helping verb. So here I am considering another example. The students are reading. So यहाँ पे subject कौन है? Subject है student. वो क्या कर रहे? वो read कर रहे. And reading is the main verb or the action verb. तो यहाँ पे auxiliary verb क्या होगा? Auxiliary verb वो होगा जो main verb को accompany करेगा और जो main verb का tense form करेंगे. They will form a time reference. यहाँ पे tense कौन decide कर रहा है? The students are reading. आर वर्ड, आर है ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स दर इज द प्रेजेंट टेंस. तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बताएगा कि जो एक्टिविटी हो रहा है वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रहा है. इट विल ऑल्सो टेल अबाउट द वॉइस, दैट इज सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसका क्या रिलेशन है. सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स दे कैन बी यूज बोथ एज ऑक्सिलरी एंड एज एक्शन वर्ब. तो ये वर्ड कौन से है? जैसे बी, डू, हैव, हैज, ये सब वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं एक्शन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों तरह से. लेकिन ये कंटेक्स्ट में डिफरेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि लेट्स हैव डिनर. यहाँ पे हैव मतलब क्या है? कि हम खाने जा रहे हैं डिनर. तो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो है खाना. तो यहाँ पे हैव क्या होगा? हैव होगा यहाँ पे मेन वर्ब या एक्शन वर्ब. सेकेंड केस में हो रहा है रमेश शुड हैव बुक द टिकट्स. तो सेकेंड केस में जो मेन वर्ब है वो है बुक्ड, लेकिन जो मेन वर्ब को एकम्पनी कर रहा है वो है हैव. इसीलिए सेकेंड केस में हैव वर्क कर रहा है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन फर्स्ट केस में हैव इज वर्किंग एज अ मेन वर्ब. तो ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच का डिफरेंस. अभी जो नेक्स्ट टाइप के वर्ब है वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ एकम्पनी होते. इनट्रांजिटिव वर्ब है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. तो लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, लेट्स ईट. ये क्या है? ये एक सेंटेंस है और ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. अगर यहां पे मैंने लिख दिया लेट्स ईट डिनर, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. दैट इज बोथ द केसेस, लेट्स ईट डिनर और लेट्स ईट, बोथ आर वर्ड, बोथ आर मीनिंगफुल सेंटेंसेस. लेकिन यहाँ पे क्या है? पहले सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है. सेकेंड सेंटेंस में देयर इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता है जो वस्तु, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट होता है जो विषय होता है. तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला सेंटेंस होगा इनट्रांजिटिव और यहाँ पे जो वर्ब है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब. पहले सेंटेंस में जो ईट है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब. दैट मीन्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का. इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. वैसे ही सेंटेंस मीनिंगफुल है. मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग आई रैन. दिस इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल सेंटेंस, आई रैन. लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ आई रैन अ शो, मैं एक शो रन करती हूँ, तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है. फर्स्ट सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में शो एक ऑब्जेक्ट है. तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया इट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज इनट्रांजिटिव. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में रैन होगा इनट्रांजिटिव, सेकेंड सेंटेंस में रैन होगा ट्रांजिटिव. अभी देयर इज ऑल्सो टू अदर टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज कंप्लीट वर्ब एंड इनकम्प्लीट वर्ब. तो यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल लेती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल है सौरभ लुक्स. सेकेंड क्या है? सौरभ लुक्स हैप्पी. यहाँ पे क्या है? द कार अपीयर्स. सेकेंड स्टेटमेंट है द कार अपीयर्स डैमेज. तो डिफरेंस क्या है दोनों स्टेटमेंट में? फर्स्ट सेंटेंस में एक वर्ड है हैप्पी,
एंड सेकेंड सेंटेंस में एक वर्ड है डैमेज. तो ये सब क्या है, इन सबको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स. तो इनकम्प्लीट वर्ब क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ब उन सेंटेंसेस में होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होते. एंड जब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में आ जाएंगे तो वो कंप्लीट वर्ब हो जाएगा. दैट मीन्स क्या, फर्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं कि सौरभ लुक्स, दैट इज ऑल्सो अ सेंटेंस बट दैट इज अ मीनिंगलेस सेंटेंस. विदाउट कंप्लीमेंट सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा. लेकिन सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में है हैप्पी, तो वो सेंटेंस को कंप्लीटली कंप्लीट कर रहा है. सो दैट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो हम लोग को समझना होगा डिफरेंस बिटवीन इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. जो इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव था उसका डिफरेंस था बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. वहां पे ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों सेंटेंसेस क्या है, मीनिंगफुल है. लेकिन कंप्लीट और इनकम्प्लीट के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीमेंट है. कंप्लीमेंट ऐसे टाइप के वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं. विदाउट कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. इसीलिए इनकम्प्लीट वर्ड के केस में क्या होता है, वो सेंटेंस को इनकम्प्लीट बनाता है. So we are very clear with all the types of verb. Verbs are basically of six type. Verb is any kind of action or activity that has been performed by subject. जो विषय है उसने जो भी क्रिया किया हुआ है उसको हम बोलते हैं, जो कर्म किया हुआ है उसको हम बोलते हैं क्रिया. तो यहाँ पे verb six type के हैं. जो first type का है वो है action verb, that is the main verb. जो main activity जो subject करेगा, like Priya is singing. तो यहाँ पे कि singing क्या हो जाएगा, main verb. तो सेकेंड है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. वो सिर्फ हेल्प करेगा मेन वर्ब को. विदाउट द ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस विल बिकम मीनिंगलेस. और ऑक्सिलरी वर्ब क्या डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड द टेंस एंड इट विल डिसाइड द वॉइस. और याद रखिए कि जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब होता है उन सेंटेंसेस को हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. अभी जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव में क्या होता है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी नहीं है. विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस इज मीनिंगफुल. लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोगों को ऑब्जेक्ट चाहिए. विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा. अभी थर्ड टाइप का है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. जो कंप्लीट वर्ब होता है वो सेंटेंस में कंप्लीमेंट्स के साथ होते हैं. लेकिन जो इनकम्प्लीट वर्ब है वो सेंटेंस में विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और वो सेंटेंस को मीनिंगलेस बनाते हैं. सो विद दिस वी आर डन विद द वीडियो. होप यू लाइक द लेक्चर. इफ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. कमेंट एंड लाइक.